हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हैं? ये देखिए सुबह हो गई है फ्रेंड, उठ जाइए। सब लोग सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपने गार्डन में हूँ फ्रेंड। आज भी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और मैंने देखा कि चलिए देखते हैं कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए सब प्लांट कितना खुश है और हेल्दी हो रहे हैं फ्रेंड। एक या दो बार हल्की सी बारिश हुई है 5 मिनट 10 मिनट की। ये देखिए, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा जैस्मिन बेला का प्लांट कितने अच्छे से बरसा रही है चारों तरफ से। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना प्यारा प्लांट है। देख रहे हैं किसकी ग्रोथ, देखिए कितना अच्छे से है। इसके लिए मैंने मस्टर्ड केक बनाया है फ्रेंड, मैं कल दूंगी। मैंने परसों भी बोया है और मैं कल इसमें शाम तक मस्टर्ड केक डालूंगी और इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मस्टर्ड केक जो होता है वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। इसकी मिट्टी मैंने सॉफ्ट बनाई है बिल्कुल से, और इसके लिए मैंने मंचिंग कर दी थी। अब मैं इसको गुड़ाई करके इसको कल मैं सरसों की खली डालने वाली हूँ फ्रेंड। इसकी ग्रोथ देख रहे हैं और देख रहे हैं आप कितनी अच्छी जा रही है और चारों तरफ इसमें बरसा रही है फ्रेंड। ये मेरा अभी ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, मैंने छोटा ही प्लांट लगाया था, वही 4-5 महीने का प्लांट है ये। और देख रहे हैं आप सबकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं अब मुझे। देखिए आप भी देखिए, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। अब तो देखिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। इनकी ग्रोथ देख के बहुत खुशी होती है। ये देखिए हमारा आलमंडा, अब इसमें भी फ्लावरिंग आएगी। मैंने इसको नेट से हटा दिया है फ्रेंड। ये हमारे मॉस रोज, ये हमारा प्राजिता, अब इसमें भी बरसाने वाली है फ्रेंड। बारिश शुरू हो गई है, इस जुलाई से ये भी खिलना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए फ्रेंड, मेरा क्रोटन कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। थोड़ा डस्ट है क्योंकि घर में काम हो रहा है, सफाई हो रही है फ्रेंड, क्योंकि मेरे यहाँ काम लगा हुआ था, अभी काम ख़त्म हुआ है। देख रहे हैं ये मेरा पॉट मुझसे टूट गया और उठाने में, और मुझे अभी इसका पॉट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे खासे बड़े पॉट में लगा था 14 इंची के। अब मेरे पास इतना बड़ा पॉट खाली है नहीं फ्रेंड, और मैं अब जाऊंगी तो लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जितने पेड़ भी मेरे सूखे हैं वो छोटे पॉट हैं और मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकती छोटे पॉट में, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, डस्ट है फ्रेंड और देखिए कितना अच्छा, कितना ग्रीन। इसकी लीव्स देखिए, मैंने अभी इसको शावरिंग नहीं की है फ्रेंड। देख रहे हैं ये दो प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड। कहता है फ्रेंड मैं इस पर हफ्ते में एलोवेरा और पानी का छिड़काव करती हूँ फ्रेंड, और इसकी वजह से मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं इसमें खास कुछ नहीं देती हूँ, पानी भी एक दिन छोड़ के देती हूँ, क्योंकि ये नीचे मेरी लॉबी में रखा है फ्रेंड। देख रहे हैं, और ये हमारा है क्रिसमस प्लांट, कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। देख रहे हैं इसकी न्यू यहाँ से लीव्स निकल रही हैं फ्रेंड, और ये देखिए यहाँ से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, किसी भी कॉर्नर में रख देंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाती है फ्रेंड। ये बहुत प्यारा प्लांट है और अभी तो इसकी ग्रोथ, मेरे पास जितने भी प्लांट हैं वो 5 या 4 महीने पुराने ही हैं, मगर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जो गर्मी की वजह से सूख गए, अब मैं हार्डी प्लांट ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे प्लांट इतने सूख गए हैं कि मेरा अब दिल नहीं कर रहा है। मैं हार्डी प्लांट ही लगाऊंगी जो ना सूखें और सर्दी गर्मी आसानी से चल सके, जिसमें मैं शो प्लांट ज़्यादा रखने वाली हूँ अपने गार्डन में। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने प्लांट्स का ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। बाय, खुदा हाफिज़।